दोस्तों ओप्पो का ये फोन DSLR कैमरा को भी फेल कर सकता है। ये फोन कैमरा में आईफोन से भी बढ़िया रिजल्ट देता है और ये मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। क्वाड कप डिस्प्ले, IP69 रेटिंग, मीडियाटेक का लेटेस्ट डायमेंसिटी 9400 फ्लैगशिप चिपसेट, ड्यूल टेलीफोटो लेंस विद OIS प्राइमरी कैमरा और एप्पल की ही तरह एक डेडिकेटेड कैमरा क्विक बटन। सिर्फ यही नहीं, इसकी स्मूथनेस फिर चाहे आप टच करो या स्वाइप करो बहुत ही ज्यादा सुपर्ब है। और क्या क्या है खासियत इस फोन के अंदर और क्यों ये फोन अभी कैमरा के मामले में एक्चुअली सारे फ्लैगशिप फोन्स पर भारी पड़ रहा है, बताएंगे सबके बारे में फुल डिटेल्स। पर उससे पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टेक अराइव। आज मैं लेकर आया हूँ एक फुल डिटेल रिव्यू ऑफ न्यूली लॉन्च्ड ओप्पो फ्लैगशिप फोन ओप्पो फाइंड X8 प्रो। सबसे पहले अगर इसके डिस्प्ले की बात करेंगे तो आपको 6.78 इंचेस का क्वाड कप डिस्प्ले मिलने वाला है। दोस्तों ये जो फ्लैगशिप फोन में न्यू ट्रेंड आया है ना 3D कप के बदले क्वाड कप देने का, ये ज्यादा अच्छा है। अनवांटेड टचेस वगैरह से बचा जा सकता है और ये उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है जो गेमिंग वगैरह करते हैं। ये एक 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पर आता है। इसमें आपको HDR 10+ का सपोर्ट मिल जाता है। आप जब हाई डायमेंसिटी रिजोल्यूशन वाला वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ही प्लीजिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। डिस्प्ले काफी ब्राइट है, 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, लेकिन उससे भी अच्छा है इसका ऑडियो। इसमें आपको 4 माइक्रोफोन मिल जाता है जिससे कि ऑडियो का म्यूजिकल सेपरेशन जो होता है वो काफी अच्छे तरीके से होता है। इसके अलावा डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो स्टीरियो स्पीकर्स, HDR का सपोर्ट, डॉल्बी विजन, ये सब जब आपके मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को मजेदार बना रहे होंगे तब आपकी आंखों पर बहुत ज्यादा असर ना हो इसके लिए 2160 हर्ट्ज का PWM डिमिंग भी आपको मिल जाता है। तो दोस्तों अगर मल्टीमीडिया या डिस्प्ले बेसिस पर इसको जज करूंगा तो इट इज डेफिनेटली 10 out of 10। अब चलते हैं इसके सॉफ्टवेयर पार्ट की तरफ। एक तो ये आता है कलर OS पर, कलर OS 15 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स। और कलर OS को देखेंगे तो ये कुछ बहुत ही सुपर काम किया गया है और ये आप जब फोन यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसकी स्मूथनेस को देख करके। चिपसेट की बात करेंगे तो ये फोन आता है न्यूली लॉन्च फ्लैगशिप स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 9400 के 3nm प्रोसेसर पर। अब 3nm का फैब्रिकेशन है तो बैटरी वगैरह पर इसका बहुत फायदा होगा। बैटरी परफॉर्मेंस पर इतना ज्यादा लोड नहीं आएगा और ये बैटरी के परफॉर्मेंस में दिखता भी है, उसकी बात हम थोड़ी देर बात करेंगे। इसका जो अंततः स्कोर है वो 2.6 मिलियन प्लस गया हुआ है, which is quite obvious। इसके अलावा इसमें आपको 16GB का फिजिकल रैम मिल जाता है LPDDR5X टाइप पर और 512GB का UFS 4.0 का स्टोरेज मिल जाता है, तो रीड एंड राइट स्पीड भी काफी शानदार रहने वाली है। इसके अलावा 5 साल के मेजर अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाले हैं, तो ये भी एक अच्छा ट्रेंड है। लंबे लंबे अपडेट्स प्रॉमिसेस अब ब्रांड्स करने लगे हैं एटलीस्ट फ्लैगशिप फोन्स में। परफॉर्मेंस फैक्टर्स को देखेंगे तो दोस्तों ये परफॉर्मेंस काफी अच्छा इनहेंस हुई है, आप मल्टीटास्किंग इजीली कर सकते हैं, कोई जिटर वगैरह देखने नहीं मिलता है, गेमिंग करते वक्त भी निराशा नहीं मिलेगी आपको। मैक्सिमम सेटिंग्स पर 90 FPS पर स्मूथ गेमिंग आप BGMI COD जैसे गेम्स खेल सकते हैं। फोन में हीटिंग इशू थोड़े बहुत आते हैं, ऐसा नहीं है कि हीट नहीं होता है एकदम भी, पर ये इतना अलार्मिंग सिचुएशन नहीं होता है। थोड़े बहुत ही हीटिंग इशू आते हैं और ये फोन जल्दी ठंडा भी हो जाता है। थर्मल मैनेजमेंट काफी अच्छे से किया गया है तो फोन जो थोड़े बहुत हीट होता है ना वो जल्दी आराम से कूल भी हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस फोन में आपको 5910 mAh की बैटरी मिल जाती है, 80 वाट का सुपरबुक वायर चार्जर और 50 वाट का वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है। यही नहीं 10 वाट का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी आपको मिलने वाला है। और बैटरी के केस में एक बात बोले अगर तो जैसे हमने बताया कि 3nm का प्रोसेसर है तो इसका फायदा बैटरी परफॉर्मेंस पर काफी अच्छे तरीके से होता है। आपकी बैटरी 1.5 से 2 दिन तक चलती है और अगर बैटरी खत्म हुई तो 47-48 मिनट में आपका चार्जर फुल चार्ज कर देता है, तो इट्स गुड। अब चलते हैं दोस्तों इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, कैमरा। कैमरा का सेटअप बताने से पहले अगर कुछ बातें बताऊं तो कैमरा में कुछ खास है इस बार। अगर आप पोर्ट्रेट्स के फैन हैं तो यू विल लव दिस कैमरा फॉर श्योर। हैसलब्लेड के साथ पार्टनरशिप है तो डेफिनेटली वो एक पोर्ट्रेट रीडिफाइन जिसको बोलते हैं वो मिलने वाला है। आपको आईफोन की तरह एक क्विक बटन मिल जाता है जिसमें आप 2 बार क्लिक करो और कैमरा ओपन। अलर्ट स्लाइडर, इसको आप स्क्रॉल करके आगे पीछे जूम इन जूम आउट कर सकते हो, तो ये एक अच्छा फीचर है खासकर उनके लिए जो फोन कैमरा से ब्लॉग शूट करते हैं। 50 MP के 4 कैमरा सेटअप इसके अंदर आपको देखने मिलती है और इंटरेस्टिंगली कैमरा का सेटअप काफी मजेदार है। 50 MP का प्राइमरी OIS कैमरा जिसमें आपको सोनी के लेंसेस मिल जाते हैं। इसके अलावा 50 MP का अल्ट्रा वाइड है और 50+50 MP के 2 पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा, एक जिससे आप 3x जूम कर सकते हैं और एक जिससे आप 6x जूम कर सकते हैं। मतलब दोस्तों अब आप खुद ही सोचो 2 पेरिस्कोप कैमरा। कैमरा का परफॉर्मेंस भी काफी शानदार है, नेचुरल फोटोज निकल करके आते हैं, क्लैरिटी काफी अच्छे से दिखती है। दोस्तों ओप्पो ने इस वाले फोन में अपने हाइपरटोन
इमेज इंजन का यूज किया गया है और वो दिखता है। एज डिटेक्शन एकदम क्लियर, कलर एकदम नेचुरल क्लियरिटी के साथ। सिर्फ यही नहीं, जब आप वीडियो शूट करते हैं तो आप डॉल्बी विजन में वीडियो शूट कर सकते हैं चारों कैमरा से। डॉल्बी विजन 4K में आप वीडियो शूट कर सकते हैं। इसके अलावा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी आपको देखने मिल जाता है। AI का इस्तेमाल जो है वो इमेजेस में किया गया है इमेज को इनहेंस करने के लिए। आप जब जूम करते हैं बहुत ज्यादा 20x टाइप या उससे ज्यादा, तब भी आप इमेज एकदम पिक्चर परफेक्ट ले सकते हैं। और जब बात AI की गई है तो आइए देखते हैं AI के कौन कौन से फीचर्स है। एक तो आपको AI क्लियरिटी इनहेंसर मिल जाती है जो फोटोज को क्लियर कर देते हैं। इसके अलावा AI रिफ्लेक्शन रिमूवर, मतलब फोटोज में कोई भी रिफ्लेक्शन वगैरह है तो उसको आप हटा सकते हैं। AI मैजिक इरेजर, AI अनब्लर, ये सब तो इमेज इनहेंसमेंट में मिल ही जाता है। लेकिन AI राइटिंग भी आपको मिलने वाली है। ग्रामेटिकल मिस्टेक, रीराइट, स्टाइल वगैरह अब सब AI कर देगा। आपको AI टूलबॉक्स मिल जाता है, आपके फ्रेजेस वगैरह को समराइज करके देता है, डॉक्यूमेंट वगैरह को समराइज करके देता है। तो मतलब AI के सारे फीचर्स मिलने वाले हैं जो कि एक फ्लैगशिप लेवल्स के अभी के सारे फोन्स में मिलते हैं। तो अब आते हैं इसके प्राइस की तरफ। ये फोन जब लॉन्च होगा दोस्तों तो ये सेल में आपको 80,000 में मिल जाएगा, 80,000 में मिल जाएगा, जिसमें कि आप 7-8,000 के बैंक डिस्काउंट ऑफर वगैरह यूज करके और कम कर सकते हैं। सेल खत्म होने के बाद इसका प्राइस जो है वो 10,000 के आसपास बढ़ जाएगा, यानी कि 90,000 तक जाएगा। अगर ओवरऑल बोलूं तो मल्टीमीडिया, कैमरा और परफॉर्मेंस, इन तीनों लेवल पर ये फोन काफी सुपर्ब है। तो दोस्तों मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको कैसा लगा ये फोन, और क्या आप भी ये ट्रेंड नोटिस कर रहे हैं जो नए फ्लैगशिप फोन्स में अभी आ रहे हैं, फिर चाहे लंबा अपडेट्स हो या लंबे बैटरी लाइफ। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए हर जगह, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।